आज के सेशन में हम लोग थ्री फेज बैलेंस्ड सर्किट देखेंगे। थ्री फेज बैलेंस सर्किट क्या है, किस तरह से उनके कनेक्शंस पॉसिबल हैं, और दोनों पॉसिबल कनेक्शंस में कुछ रिलेशंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये आज का टॉपिक है। ठीक है, मैं आपको अभी तक जो पढ़ाता आया हूं वो सभी सिंगल फेज की एनालिसिस है। ठीक, सिंगल फेज की एनालिसिस का मतलब आपके पास एक ही पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक ही नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल को आप लोग फेज और नेगेटिव टर्मिनल को उसका रिटर्न बोलते हैं। अगर ये आपकी बैटरी है तो यहां से वो फेज जाएगा सर्किट के अंदर और वापस यहां से रिटर्न आएगा नेगेटिव टर्मिनल पे। कुछ इस तरीके से आप लोग अभी तक पढ़ते हुए आए हो। मैं मान के चलता हूं कि ऐसा ही एक सिंगल फेज जनरेटर ये है, ऐसा ही एक सिंगल फेज जनरेटर ये है, ऐसा ही एक सिंगल फेज जनरेटर ये है। मेरे पास तीन सिंगल फेज जनरेटर है। अब मुझे सिंगल फेज नहीं पढ़ना, मुझे थ्री फेज सप्लाई पढ़नी है। तो तीन सिंगल फेज जनरेटर को अगर मैं थ्री फेज की तरह इस्तेमाल करूं तो जरा आप सोचो कि तीन जनरेटर्स होंगे, तीन पॉजिटिव टर्मिनल्स होंगे एबीसी और तीन नेगेटिव टर्मिनल्स होंगे, तो तीन रिटर्न पाथ होंगे। हर एक सर्किट आपका ट्रिपल टाइम आपका सर्किट हो जाएगा। सर्किट का साइज बढ़ेगा तो प्रोसेस कॉम्प्लेक्स ज्यादा हो जाएगी। प्रोसेस ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, आपका सर्किट का साइज बढ़ने का मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा। वो सब चीजें हम लोग नहीं चाहते। तो हम बेसिकली चाहते क्या है कि हमारे पास सिंगल जनरेटर हो जो तीन पॉजिटिव टर्मिनल्स को साथ में तीन फेज जनरेट कर सके, एक जनरेटर जो तीन फेज जनरेट करे। सर ये कुछ नया है? कुछ भी नया नहीं है। आप लोगों ने स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन तो सभी ने लगभग पढ़ा होगा, स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्म करना। वो जो स्टार और डेल्टा कनेक्शन है वो आते इसीलिए है कि हमने तीन अलग अलग फेजर्स को, तीन अलग अलग फेज जनरेट करने वाले जनरेटर्स को अगर एक ही जगह कंबाइन करना हो थ्री फेज सिस्टम बनाने के लिए, तो या तो वो स्टार में कनेक्ट होता है, ये तीनों स्टार में कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होकर स्टार फॉर्म बनाते हैं, या फिर ये तीनों कनेक्ट होकर के डेल्टा फॉर्म बनाते हैं। सही है? तो यही वो है जो आपने लगभग पहले पढ़ा हुआ है। थ्री फेज का मतलब समझ में आया। बैलेंस्ड का मतलब क्या है? सर्किट आप लोग सभी जानते हो, बैलेंस्ड का मतलब क्या है? डेफिनेशन आई, मतलब डिफाइन किया गया कि आप सिस्टम को या सर्किट को बैलेंस्ड कब कहोगे। अगर सर्किट्स के अंदर आने वाली थ्री फेज सप्लाई बैलेंस्ड है तो थ्री फेज बैलेंस्ड सर्किट होगा। सप्लाई बैलेंस्ड कब होगी, उसके लिए दो कंडीशन है हमारे पास। पहली, जितने भी ये फेज आए इसका जो भी फेज होगा, मान के चलो ये वी ए ए डैश जो है, ये वी बी डैश और ये वी सी सी डैश, मतलब क्या है इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ए ए डैश के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, बी बी डैश के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, सी और सी डैश के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ये इनकी जनरेटर की वोल्टेजेस है जो ये अलग अलग जनरेट कर रहे हैं। तो ये बोलता है कि इन तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, मतलब वी ए ए डैश, वी बी बी डैश, वी सी सी डैश, कुछ इस तरीके से बोलता है कि तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये। दूसरा क्या बोलता है आपसे, ये तीनों का एंगल, एंगल जो होगा वो फेजर डायग्राम में जो आप लोग बनाते हो, जैसे रेफरेंस बनाया फिर दोनों तीनों ड्रॉ किए, तो उसमें एंगल जो है वो पोजीशन बताएगा, यानी कि एंगुलर डायरेक्शन बताएगा। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दो ही चीजें होती हैं फेजर के अंदर, जैसे कि आप लोग वेक्टर में भी देखते आए हो। मैग्नीट्यूड फेजर के अंदर ऑल्टरनेटिंग नेचर का होता है, लेकिन ये बोलता है कि ऑल्टरनेटिंग नेचर नहीं चाहिए मुझे, तीनों की कॉन्स्टेंट वैल्यू चाहिए। तीनों की जो मैग्नीट्यूड वैल्यू होगी, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड अगर आप काउंट करें, वीएम से रिलेट कर रहा है, तो वो आपका इक्वल होना चाहिए तीनों अलग अलग फेजर्स के लिए। और दूसरी कंडीशन, ये तीनों एक दूसरे से, अगर मैं ऐसे बोलूं वी ए ए डैश, इन तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर वी मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो वी मैग्नीट्यूड हो गया, एंगल जीरो जीरो डिग्री पर प्लेस अगर मैं इसको कर दूं पहले फेजर को, तो दूसरा वाला जो फेजर है वो पहले वाले फेजर से माइनस 120 डिग्रीज पीछे होगा। तीसरा वाला फेजर दूसरे वाले फेजर से -120 पीछे होगा। तो कहने का मतलब क्या है, पहली कंडीशन मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फेजर शुड बी इक्वल एंड ईच फेजर शुड बी डिस्प्लेस्ड और प्लेस्ड एट अ प्रोग्रेसिव फेज डिफरेंस ऑफ 120 डिग्रीज। प्रोग्रेसिव फेज शिफ्ट या प्रोग्रेसिव फेज डिफरेंस ऑफ 120 डिग्रीज पर प्लेस होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तभी आपकी सप्लाई थ्री फेज सप्लाई है, बैलेंस सप्लाई है, और तभी आपके सर्किट थ्री फेज बैलेंस सर्किट होंगे। और अगर किसी वजह से इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन वॉयलेट होती है,
तो उस केस में आपकी ना तो सप्लाई बैलेंस्ड है और ना ही फिर सर्किट बैलेंस होगा। ये क्लियर है? मैं इसको ड्रॉ करूं, ये जो VAA डैश इज इक्वल टू V एंगल जीरो है, इस एंगल जीरो को मैंने ड्रॉ किया, ये मैंने एंगल जीरो ड्रॉ किया, दिस इज V एंगल जीरो, 0 डिग्री पर प्लेस है, इसको VAA डैश भी बोल सकता हूं। दूसरा जो है इससे -120 प्लेस करना है। अभी जरा देखो, इसका 90 कहीं यहां बनेगा, इधर ऊपर 90, ये क्वाड्रेंट ऑपरेशन के हिसाब से देखें तो पीछे आ जाओ, 120 कहीं यहां बनता है ना, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं। मैंने इक्वल मैग्नीट्यूड ड्रॉ करने हैं, इसका ध्यान रखना, मेरे पास स्केल है इसलिए मुझे पता है कि इक्वल है। आप लोग अंदाजे से ड्रॉ करेंगे, ऑब्वियसली स्केल ले जा सकते हैं एग्जाम में अगर सेमेस्टर प्रिपेयर कर रहे हैं तो। ये हो गया वी, मैग्नीट्यूड इसका भी वी है ना, इसका भी वी है। एंगल डिस्प्लेसमेंट देखो 120 डिग्रीज, और क्लॉकवाइज चलते हुए आपको एंगल नेगेटिव में मिलते हैं अगर आपको क्वाड्रेंट ऑपरेशन याद है तो। इसके बाद आता है दूसरा, ये 60 बचा, एक और 60 चाहिए नहीं, अप्रोक्सीमेटली यहां आपके पास में अगला आएगा फेजर जो कि VC होगा, मैं इनको भी नाम भी दूंगा। ठीक है, ये इससे 120 आगे है और दोनों के बीच कितना डिफरेंस बचेगा, 120। इसके बाद हमारे पास में एक रिप्रेजेंटेशन फेजर रिप्रेजेंटेशन हो गई, एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई, तीसरी रिप्रेजेंटेशन हम ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी की क्या करते हैं, साइनसॉइडल वेवफॉर्म है ना, इसको याद रखना। तीन ही तरीके से हम लोग अपने ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी को, किसी भी क्वांटिटी को, वोल्टेज करंट रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने वोल्टेज के लिए प्लॉट तैयार कर लिया, अभी मुझे इस पे तीन वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है, 1 for VAA डैश, अनदर 4 BBB डैश एंड थर्ड 1 for VCC डैश। ठीक है, आप ऐसे मत कंफ्यूज होना कि सर AA डैश क्यों लिख रखा है, सिंपल VA BBB VC क्यों नहीं लिख दिया, आप लिख सकते हो, जब मैं इसको स्टार से कनेक्ट करूंगा तो मुझे A'B'C' थोड़े से आराम से समझाने में आसानी रहेगी, इसलिए मैंने A'B'C' लिया है। आप इसे VA BBB VC भी बोल सकते हो, VA BBB VC है ना। इधर से जाएंगे तो -120 -240 और वापस आएंगे तो +120 +240, पोजीशन ABC ही रहेगी, क्लॉकवाइज ये सीक्वेंस डिसाइडेड है। अब उधर जाओगे तो वो ACB हो जाएगा, ABC नहीं होगा। ठीक है, अभी मैंने शुरुआत की VAA डैश इज इक्वल टू V एंगल जीरो से, मतलब 0 डिग्री पोजीशन से मुझे ये स्टार्ट करना है। ये मेरे 60 60 पर मैंने मार्क किए हुए हैं, दिस इज 60, दिस इज 60, दिस इज पाई 180 है ना। तो मैं यहां से चलता हूं, फिर वापस कुछ इस तरह से बनेगा है ना। ये मेरा बना VAA डैश जो कि 0 डिग्री से शुरू होता है, जो कि 0 डिग्री से शुरू होता है। इसके बाद मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, क्या चेंज करना है, VBB डैश VAA डैश से 120 पहले शुरू होता है, -120 मतलब 5 नेगेटिव डिग्रीज में आपको लेके चलना है, ये 60 ये 120, तो मतलब कहीं यहां से VBB डैश जो है वो शुरू होगा। ये हमारा ऐसे शुरू हुआ, इस चीज को याद रखना, ये है हमारा VBB डैश जो कि यहां से आगे भी जाएगा, इससे आगे की वेवफॉर्म की मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसे इस तरीके से बनाया। ये है VBB डैश। VCC डैश जो है वो VBB से 120 पीछे है, या बोलो 0 से 240 पीछे है, तो ये 0 यहां से 240 गिन लो, 60 120 180 और 240, या फिर इस 120 से यानी VBB डैश से 120 पीछे आ जाओ, VBB डैश यहां से शुरू हुआ था तो यहां से आपका VCC डैश शुरू होगा। इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं,
कुछ इस तरीके से आपके पास 20 सीसी डैश आ जाए। ये आपका 20 सीसी डैश है। अभी आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी ऐसा मैं मान रहा हूं, आपको कई बुक्स में डायग्राम जीरो से आगे तक का दिखाया जाता है, उसको इग्नोर करो और इस चीज को याद रखो कि वी ए डैश जीरो से शुरू होगा, वी बी बी डैश जो है उससे पहले 120 पहले शुरू होगा और वी सी सी डैश जीरो से 240 पहले शुरू होगा। ठीक है, यह आपकी वेवफॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री फेज बैलेंस्ड सप्लाई, यह आपकी वेवफॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री फेज सॉरी फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री फेज बैलेंस सप्लाई और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस फॉर थ्री फेज बैलेंस सप्लाई। ये तीन इंडिपेंडेंट सिंगल फेज फेजर्स हैं, ये तीन इंडिपेंडेंट सिंगल फेज फेजर्स हैं जो जनरेटर्स हम लोग फिजिकली बोल सकते हैं कि जनरेटर्स हैं। ठीक है, अभी बैलेंस सर्किट का बेसिक हो गया, इनसे दो कनेक्शंस पॉसिबल है। थ्री फेज बैलेंस सिस्टम दो तरह से कनेक्टेड हो सकता है, या तो स्टार कनेक्टेड या फिर डेल्टा कनेक्टेड। तो पहला कनेक्शन हम लोग देख रहे हैं स्टार कनेक्टेड। एक्चुअल में हमसे अगर थ्योरी पूछी जाती है, अगर आप लोग सेमेस्टर के हिसाब से देख रहे हो, तो आप लोगों को स्टार कनेक्टेड में फेज वैल्यूज और लाइन वैल्यूज के बीच में रिलेशन निकालना होता है। अभी ये क्या होती है उन्हें बताऊंगा, स्टार हम लोग कैसे बनाते हैं वो पहले देख लो। ए ए डैश, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसका पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव। जनरली हम लोग जब एसी बनाते हैं तो ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी नहीं दिखाते, क्योंकि ये जो अंदर साइनसॉइड का साइन बनाया है, इसका ऊपर वाला हाफ जो ऊपर आया ये वाला, ये पहले ही बता रहा है कि इसका पॉजिटिव ऊपर है और नेगेटिव हाफ वाला मतलब नेगेटिव नीचे है। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब एक जनरेटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसकी बात हो रही है। तीन अलग अलग सिंगल फेज के जनरेटर्स के अगर नेगेटिव टर्मिनल्स को एक ही जगह पर कंबाइन कर दिया जाए, अगर कंबाइन कर दिया जाए, ये कोई फेजर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ध्यान रखना, जो अभी बनाने जा रहा हूं फेजर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप ध्यान से देखना, मैंने तीनों के नेगेटिव टर्मिनल्स को एक जगह पर कनेक्ट किया, ए ऊपर ए डैश नीचे, बी ऊपर बी डैश नीचे, सी ऊपर सी डैश नीचे। तो ए डैश बी डैश और सी डैश जो नेगेटिव टर्मिनल्स थे उन तीनों को जोड़कर एक कॉमन पॉइंट बनाया जिसको नाम दिया न्यूट्रल, स्मॉल एन फॉर न्यूट्रल। आप लोगों को बहुत बार मैंने बताया है न्यूट्रल में और ग्राउंडिंग में क्या डिफरेंस है, न्यूट्रल और रिटर्न पाथ में क्या डिफरेंस है। जब आप थ्री फेज सिस्टम पढ़ोगे तभी आप टेक्निकली रिटर्न पाथ के लिए एक जो कॉमन पॉइंट बनाते हो उसको न्यूट्रल बोलते हो। अभी देखना मैं इसके अंदर साइनसॉइड वेवफॉर्म कैसे बना रहा हूं, इस बात का ध्यान रखें कि पॉजिटिव किस तरफ है। ठीक है, ऐसे ही जब मैं इधर आऊंगा पॉजिटिव इस तरफ है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इस तरह से मैंने अपने जनरेटर्स बनाए, बिल्कुल सही कनेक्शन किया है। ए डैश बी डैश सी डैश को अगर मैं कॉमन पॉइंट न्यूट्रल पर जोड़ दूं और फिर मेरे पास एक ही काम रह जाएगा, तीन पॉजिटिव टर्मिनल्स होंगे, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे तो आपका थ्री फेज का जनरेटर तैयार है जो कि स्टार कनेक्टेड है। थ्री फेज का जनरेटर तैयार है जो कि स्टार कनेक्टेड है। ठीक है, अभी इस स्टार कनेक्शन के अंदर फेज वैल्यूज और लाइन वैल्यूज आप लोगों को देखनी है, तो मैं आपको कुछ बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूं कि फेज वैल्यू क्या है और लाइन वैल्यू क्या है। आज से पहले आप लोगों ने फेज वैल्यू लाइन वैल्यू के बारे में नहीं पढ़ा, उसका रीजन आप लोगों ने सिंगल फेज एनालिसिस पढ़ी थी और सिंगल फेज एनालिसिस में सिर्फ फेज वैल्यूज ही होती थी आपके पास, क्योंकि लाइन वैल्यूज कभी आई नहीं तो आपने कभी डिफाइन भी नहीं किया लाइन वैल्यूज क्या होती। फेज वैल्यू क्या होता है, जब भी किसी फेज की किसी क्वांटिटी को, जब भी मैं बोलूं क्वांटिटी मतलब वोल्टेज या करंट, फेज की कोई क्वांटिटी मतलब या तो फेज वोल्टेज या फिर फेज करंट, मैंने इनको एक्सटेंड करके लिख लिया। इस ए को मैं यहां लिख लेता हूं, देखने में आसानी होगी, ये बी को यहां लिख लेता हूं और इस सी को यहां लिख लेता हूं, तीनों वायर्स एक्सटेंड करके एबीसी तीन टर्मिनल्स हो गए पॉजिटिव। ठीक है, इसका एक नेगेटिव होगा, उसको हम कहीं ग्राउंड कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा एक जनरेटर जो है सर्किट में लगने के लिए सप्लाई देने के लिए तैयार है।
तीन पॉजिटिव टर्मिनल्स के साथ में। तो मैंने फेज क्वांटिटी बताई, फेज क्वांटिटी क्या होती है, फेज क्वांटिटी का मतलब क्या है, फेज ए का वोल्टेज, ये फेजर है, इसका ए पॉजिटिव टर्मिनल है और बी नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल इज ऑलवेज कनेक्टेड टू ग्राउंड, तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर किसी फेज के वोल्टेज या करंट की बात हो रही है तो उसको हम बोलेंगे फेज वोल्टेज या फेज करंट, इजीली याद रख सकते हो। अगर किसी फेज के वोल्टेज की बात हो रही है ग्राउंड के कंपैरिजन में, पॉजिटिव फेज रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव ग्राउंड रिप्रेजेंट करता है, तो ग्राउंड से कंपेयर करके पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी ए डैश, तो ये आपका फेज वोल्टेज है। ऐसे ही बी के केस में, जब ये इंडिपेंडेंट फेजर थे तब की बात कर रहा हूं, बी के फेज में, बी के केस में बी पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव वाला ग्राउंड, फेज कंपेयर टू ग्राउंड वी बी बी डैश, ये भी फेज वोल्टेज है। ऐसे ही वी सी सी डैश भी फेज वोल्टेज है, ये आपको याद रहेगा। लाइन और सॉरी फेज करंट क्या है, हर एक फेजर का इंडिपेंडेंट करंट जो कि बैटरी के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है या फिर सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल से निकल करके सर्किट को सप्लाई होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एरो लगाया मैंने आई ए जो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगा, आई बी पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगा और आई सी पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगा। इस तरह से आई ए ग्राउंड से और सर्किट की तरफ जाते हैं और सर्किट से वापस ग्राउंड की तरफ आते हैं, ग्राउंड कंपेयर टू फेज है। आई ए आई बी आई सी ये सभी आपके लाइन करंट्स सॉरी फेज करंट्स हैं। तो फेज क्या हो गया, फेज कंपेयर टू ग्राउंड। अभी आप देखेंगे कि लाइन क्वांटिटी क्या होती है। अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज लाइन क्वांटिटी, तो सर आप ही बताओ लाइन क्वांटिटी क्या होगी। अगर मैं एक फेज को दूसरे फेज से कंपेयर करूं, मैंने इसको ड्रॉ करते हुए बताया था कि आपने हमेशा फेज क्वांटिटी पढ़ी है क्योंकि आप हमेशा सिंगल फेज सिस्टम पढ़ते थे, इसलिए फेज क्वांटिटी डिफाइन करने के लिए मैंने सिंगल फेज सिस्टम का एग्जांपल लिया। जब थ्री फेज सिस्टम पढ़ते हैं तो कनेक्शन या तो स्टार होगा या डेल्टा होगा, तीन फेज कनेक्टेड होंगे। इसको पढ़ने के लिए, इस न्यूट्रल वाले को पढ़ने के, इसको फिलहाल हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बताया था। इसको पढ़ने के लिए अगर हम बोले तो ये फेज ए है, अगर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देखोगे तो आपको फेज वोल्टेज मिलेगी, और इस फेज ए को विद रेस्पेक्ट टू फेज बी देखोगे तो आपको लाइन वोल्टेज मिलेगी। मतलब वी ए बी, टर्मिनल ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दो फेज का कंपैरिजन करेंगे तो लाइन वोल्टेज निकलेगी, दो टर्मिनल बी और सी का कंपैरिजन किया या वी सी ए का कंपैरिजन किया, वी ए बी इज वी बी माइनस वी ए या फिर वी ए माइनस वी बी, जो भी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इस तरीके से जो मिलेगा वो लाइन वोल्टेज होगा। ऐसे ही जो न्यूट्रल से ए की तरफ जा रहा है करंट, ऐसे वो करंट है फेज करंट, सही है। लेकिन ये अगर हम बोलूं कि इस टर्मिनल से निकल के और इस टर्मिनल में कितना करंट घुसता है या फिर इस टर्मिनल से निकल करके इस टर्मिनल में कितना करंट एंट्री करता है, तो ए और बी के कंपैरिजन में अगर मैं करंट देख रहा हूं, यानी कि आई ए बी आई बी सी और आई सी ए, तो उसको मैं बोलूंगा लाइन करंट। आपको बेसिकली स्टार में वोल्टेज इन फेज, मतलब फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज का रिलेशन बनाना है, और फेज करंट और लाइन करंट का रिलेशन बनाना है। ऐसे ही डेल्टा में भी आपको फेज और लाइन वोल्टेज, फेज और लाइन करंट का रिलेशन बनाना है, यही इस टॉपिक का मकसद है। आपको बस ये चीजें याद रखनी है, फेज का मतलब फेज कंपेयर टू ग्राउंड और लाइन का मतलब फेज कंपेयर टू फेज, ठीक है। इसको मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूं, अपनी कैलकुलेशन करते हैं। दो चीजें देखनी है, फेज करंट लाइन करंट। मैं आपसे अगर ये बोलूं इस स्टार कनेक्शन में, दिस इज आई ए, यहां से निकल के आया इसके साथ, ए टर्मिनल से बाहर निकल रहा था, ए टर्मिनल की तरफ ही जा रहा है, ये भी, ये आई बी और ये आई सी। अब आप ऐसे देखो कि अगर मैं टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच में लोड लगाता हूं, मुझे एक रिलेशन देखनी ए और बी के बीच में, ठीक है, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच में मैंने अगर लोड लगाया, तो जो आपका आई ए निकल के गया है वही ए से बी की तरफ जाएगा। अगर मैं कोई लोड लगा दूं, ए और बी के बीच में, तो ए से बी की तरफ एक ब्रांच हो गई, एक ब्रांच में एक ही करंट एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो अगर मैं बोलूं आई ए इधर से निकल करके बी की तरफ आया या फिर आई बी निकल करके आई ए की तरफ गया, इस ब्रांच में करंट ए ही है, तो मैं बोल सकता हूं कि आई ए जो निकल करके गया है
दैट इज आई ए बी, ए से बी की तरफ जाने वाला करंट, या आई ए एक ही चीज है। ऐसे ही अगर बी से ए की तरफ करंट जा रहा है, बी से सॉरी मैं लोड को अगर ए और बी की जगह बी और सी के बीच में लगा दूं, तो बी से निकल के जाने वाला करंट स्मॉल आई बी और बी से सी की तरफ जाने वाला लाइन करंट आई बी सी बराबर होंगे। और सेम इसी तरह से अगर ए और सी, सी और ए के बीच लगा दिया जाए, तो आई सी और आई सी ए ये बराबर होंगे। तो ये आई ए आई बी आई सी क्या है? फेज वैल्यू ऑफ करंट, ए कंपेयर टू ग्राउंड, बी कंपेयर टू ग्राउंड और सी कंपेयर टू ग्राउंड। ए और बी फेज ए फेज बी, टर्मिनल ए टर्मिनल बी के बीच का कनेक्शन है, करंट कितना होगा? तो ये क्या है? लाइन करंट। तो स्टार कनेक्शन में फेज करंट और लाइन करंट आर गोइंग टू बी इक्वल। जो इजीली समझ में आया वो मैंने पहले बना दिया है ना, समझदारी। अभी बात करते हैं वोल्टेजेस की। अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक है लाइन करंट फेज करंट, तो मुझे सर्किट से दिखाई देता है सर, और इजीली समझ में आ रहा है कि दोनों बराबर है, आप हमें फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज का रिलेशन बताओ। तो मैं फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के लिए आपको कुछ करने को बोलूंगा, आपने क्या करना है? ये तो है आपका वी ए डैश बी डैश सी डैश, तीनों क्या बन गए हैं? न्यूट्रल एन। तो मैंने इसको ई ए एन लिख लिया, इसको वी बी एन लिख लिया और इसको वी सी एन लिख लिया। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए डैश बी डैश सी डैश इन तीनों का नाम बदल के कॉमन पॉइंट एन बन गया है न्यूट्रल। तो ए एन बी एन और सी एन तीनों वोल्टेजेस लिख ली। लाइन वोल्टेजेस क्या होंगी? वी ए माइनस वी बी, वी बी माइनस वी सी। वी ए ड्रॉ करो, हम लोगों ने थोड़ा देर पहले ड्रॉ किया हुआ था, उसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 120 डिग्री पर प्लेस्ड है, ये वी ए एन है, ये वी बी एन है, पहले हमने ए डैश बी बी डैश लिखे थे, ये वी सी एन है, और तीनों फेजर्स हैं। फेजर्स का सम वेक्टर्स के हिसाब से होता है, वेक्टर अलजेब्रा के हिसाब से, 120 डिग्री पर प्लेस्ड है। अभी मैंने करना क्या, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज वी ए बी, वी ए बी पूछूं, तो आप बोलोगे सर वी ए माइनस वी बी, पॉजिटिव टर्मिनल, अगर वी ए ज्यादा है तो वी ए माइनस वी बी ये होना चाहिए, या फिर इसे मैं वी ए एन वी बी एन लिखूं तो भी गलत नहीं है ना। दोनों दो अलग अलग ब्रांचेस हैं, ये पॉजिटिव से ग्राउंड तक है, ये पॉजिटिव से ग्राउंड तक है, दोनों अलग अलग ब्रांचेस हैं, दोनों का अलग अलग पोटेंशियल देख लिया, वी ए एन माइनस वी बी एन। ठीक है, ये आपका वी बी एन है, इसका नेगेटिव कहां आएगा? इसके जस्ट अपोजिट, तो उसके जस्ट अपोजिट में ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, ये जस्ट अपोजिट ड्रॉ हो गया, माइनस वी बी एन, माइनस वी बी एन जस्ट अपोजिट ड्रॉ हो जाएगा। वी ए एन माइनस वी बी एन, इन दोनों का अगर पैरेललोग्राम एडिशन कर दिया जाए तो हमें बहुत इजीली क्या मिल जाएगा? वी ए एन माइनस वी बी एन मतलब वी ए बी। अब जरा इसको देखो, अब ओरिजिन से ड्रॉ करते हैं, फेजर हमेशा एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, रिजल्टेंट फेजर हमेशा ओरिजिन से ड्रॉ किया जाएगा। तो यह आपको मिल गया V A B, सही है। इस पैरेललोग्राम एडिशन को अगर मैथमेटिकल इक्वेशन से दिखाऊं, V A B क्या होगा? V A N माइनस V N, अगर आप वेक्टर से लिखते थे ऐसे लिखते थे, इसको फेजर बोलूंगा तो कोई जरूरत नहीं है मुझे ऐसे लिखने की, लिख भी सकते हो, टेक्निकली करेक्ट है। V A B, मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं उसका, अगर तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? स्क्वायर रूट बाहर, V A N का स्क्वायर प्लस माइनस वी बी एन का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए एन मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी एन कॉस ऑफ एंगल, एंगल बिटवीन वी ए एन एंड माइनस वी बी एन। ठीक है, कितना एंगल है? 60, तो कॉस 60। ठीक, अब ये कॉस 60 कितना होता है? वो आप बताओ, वी ए एन स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए एन क्या है? ए और ए डैश, इससे पहले जब हमने पढ़ा था, तो ए और ए डैश ग्राउंड और फेज के बीच का वोल्टेज, मतलब फेज वोल्टेज,
ऐसे ही VBN क्या है, ग्राउंड फेज के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब फेज वोल्टेज वीपी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2 VP इंटू वीपी, और cos 60 हो जाएगा आपका 1/2, 2 से 2 कैंसिल, वीपी स्क्वायर प्लस वीपी स्क्वायर प्लस वीपी स्क्वायर कितना बनेगा अंडर रूट 3 वीपी, और बाहर ए बी क्या है, ए और बी दो फेज के बीच का कंपैरिजन वोल्टेज का, तो उसको हम बोलेंगे लाइन वोल्टेज, तो VL इज इक्वल टू रूट 3 वीपी, बाकी दोनों के केस में भी यही निकल के आएगा। तो दो रिलेशन आपके पास आ गई, लाइन करंट इन स्टार कनेक्शन ऑफ थ्री फेज बैलेंस्ड सप्लाई, लाइन करंट्स आर ऑलवेज इक्वल टू फेज करंट, इसके अलावा लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू रूट 3 ऑफ फेज वोल्टेज इन स्टार कनेक्टेड थ्री फेज बैलेंस्ड सर्किट। अभी हम लोग देखेंगे डेल्टा कनेक्शन, ये मेरा पॉइंट था ए और ये वाला था ए डैश, इस ए डैश को मैंने जोड़ा बी से, बी डैश को जोड़ा सी से, और सी डैश को जोड़ा ए से, इस तरीके से मेरे को डेल्टा मिल जाता है। एक ऐसे ही क्यों जोड़ा पूछने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही जोड़ने पे डेल्टा मिलेगा, वरना डेल्टा मिलेगा कैसे, ठीक है। ए का पॉजिटिव किस तरफ था उसे देखो, ए का पॉजिटिव ऐसे था, ये हमने अलग अलग फेजर जोड़े ना, तो ए का पॉजिटिव इस तरफ, ए डैश की तरफ नेगेटिव था, बी का पॉजिटिव बी का नेगेटिव देखो, ये बी का पॉजिटिव बी का नेगेटिव, यहां से सी और सी डैश का पॉजिटिव नेगेटिव देखो, सी का पॉजिटिव और सी का नेगेटिव, इजी है ना। अभी आप लोगों ने क्या करना है, कनेक्शन हो गए इजीली हो गए, आप लोग अब मुझे दो चीजें पूछेंगे, या फिर आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपने स्टार के लिए कर लिया है तो समझना और आगे कैलकुलेशन इजी है। इजी कैसे है, ए और सी डैश, मैंने इसको कैपिटल ए नाम दे दिया, कोई कंफ्यूजन ना हो कि ए टर्मिनल है या सी डैश, दोनों का कंबाइंड टर्मिनल है। ऐसे ही यहां से बी और ए डैश के बीच कोई कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए मैंने यहां पर इसको कैपिटल बी करके नाम दे दिया टर्मिनल को, और सी और बी डैश के लिए मैंने कॉमन टर्मिनल को नाम दे दिया कैपिटल सी, ठीक है। बाकी आप सब समझदार हैं, तीन टर्मिनल्स बन गए हैं, ठीक है। अब ये तीनों टर्मिनल्स जो हैं, इनके ऊपर मुझे फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज देखनी है, फेज करंट और लाइन करंट देखना है। मैं आपको पहले स्टार कनेक्शन में मैंने करंट देखा था, क्योंकि मुझे पता है इक्वल आते हैं, इसका भी मुझे पता है कि इसमें वोल्टेज इक्वल आएंगे, तो पहले मैं वोल्टेज निकाल के दिखा रहा हूं आपको। वी ए ए डैश देखना ध्यान से, ए और ए डैश के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और टर्मिनल ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दोबारा देखो, वी ए ए डैश के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस एक ही होगा, बस इसी को लिखना है। वी ए ए डैश इज इक्वल टू वी ए बी, ऐसे ही बी और बी डैश के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी बी बी डैश, वो इक्वल है किसके, वी बी सी के, ये बी पॉइंट और ये सी, सही। और वैसे ही वी सी सी डैश इज इक्वल टू वी सी ए, मतलब सभी फेज वोल्टेजेस, रिजल्ट क्या बनता है इसका, कि फेज वोल्टेजेस आर इक्वल टू लाइन वोल्टेजेस। स्टार कनेक्शन में क्या था, फेज और लाइन करंट इक्वल होते थे, सही बात है ना, और डेल्टा में क्या है, फेज और लाइन वोल्टेज इक्वल होती है। दूसरी चीज क्या निकल के आती है, फेज और लाइन करंट निकालना है। सेम प्रोसीजर से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, प्रोसीजर क्या है, इन तीनों का फेजर बना के देख लो, किस किस का, करंट का, वोल्टेज तो सेम निकल आए, करंट का बना लेते हैं। करंट आई ए, या मैं इसको स्मॉल आई ए लिखूं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने स्मॉल आई ए रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल आई ए, स्मॉल आई बी और स्मॉल आई सी, स्मॉल आई सी, ठीक है।
आई ए 120 के बाद आई बी, 120 के बाद आई सी, दोनों के बीच में 120 डिग्रीज हो गया। अभी मुझे क्या करना है, इस आई ए का, इस ए और बी के बीच में जो भी करंट जा रहा है उसका रिलेशन निकालना है। जो भी करंट यहां से निकलेगा मैंने उसको यहां पर आई ए बी नाम दे दिया। सेम प्रोसीजर होगा तीनों को निकालने का, आई ए बी निकालने का, आई बी सी निकालने का, आई सी ए निकालने का। ये आपके पास नोड है, ठीक है, दो करंट है आपके पास इन दो ब्रांचेस में ऑलरेडी जो नोन है। कौन कौन से ए डैश की तरफ कोई करंट नहीं जाता, ए डैश से ए की तरफ करंट जाता है स्मॉल आई ए, ठीक है। सी से सी डैश की तरफ कोई करंट नहीं जाता, सी डैश से सी की तरफ करंट जाता है स्मॉल आई सी, नाउ आई सी, है ना। ये नोड है, ये आउटगोइंग करंट, ये आउटगोइंग करंट, ये इनकमिंग करंट है, और मुझे ये वाला आउटगोइंग निकालना है। तो ये आउटगोइंग होगा, तो आप इक्वेशन निकाल करके मुझे समझा दो कि आई ए बी क्या होगा। तो मेरे हिसाब से जो मैं करवाता हूं, जो स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं, प्लस प्लस आउटगोइंग प्लस आई ए बी प्लस आई सी माइनस आई ए, तो इक्वल टू के इस तरफ जाकर के माइनस का आई ए हो जाएगा पॉजिटिव आई ए, और पॉजिटिव आईसी हो जाएगा माइनस आईसी, आई ए माइनस आई सी आई ए बी। ये आई ए है, ये आई सी है, इस आई सी का नेगेटिव ड्रॉ कर लो, यानी कि माइनस आई सी और आई ए का पैरेललोग्राम एडिशन आपको आई ए बी देगा। तो इजी है, आपने आगे कुछ नहीं करना, कुछ बड़ी चीजें नहीं है, बस आपको आंसर क्या निकल के आने वाला है वो देखने के लिए आप लोग वेट कर रहे हो, उसको निकाल देते हैं। कुछ भी अगर ना समझ में आए तो या तो वीडियो रिपीट कर लें या फिर कमेंट करके पूछ लें। ठीक है, ये मुझे क्या मिला, कैपिटल आई ए बी। कैपिटल आई ए बी क्या है, ए और बी के बीच में जाने वाला करंट। दो फेस टर्मिनल्स का कंपैरिजन करेंगे तो करंट जो मिलेगा उसको हम बोलेंगे लाइन करंट, सही है। ये दोनों करंट्स क्या थे, आई ए और आई सी, ये दोनों थे हमारे पास में फेस करंट, ठीक है। आई ए बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लगाओ स्मॉल आई ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ आई बी, सॉरी आई सी स्क्वायर प्लस टू आई ए आई बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन आई ए एंड माइनस आई बी। ये माइनस आई बी आएगा, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन आई ए एंड माइनस आई सी, ठीक है। कितना एंगल होगा, उसी तरीके से देखो, आई ए और आई बी के बीच 120 था, ये 120 है, ठीक है, ये वाला 180 है, तो बीच वाला कितना होगा 60 डिग्रीज, कॉस 60, कॉस 60 इज 1/2 और 2 कैंसिल। आई ए इज फेज करंट आई पी स्क्वायर माइनस आई सी, पॉजिटिव आई सी हो जाएगा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आई पी स्क्वायर, और ये आई पी इंटू आई पी, आई पी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 आई पी, आई पी यानी कि फेस करंट को मैं कैपिटल आई यूज किया था, और ये ए और बी के बीच कंपैरिजन है तो उसको मैं बोलूंगा आई एल। तो मेरा रिलेशन निकलता है आई एल इज इक्वल टू रूट 3 आई पी। स्टार के केस में करंट इक्वल थे और वोल्टेज का ये रिलेशन बनता था, वोल्टेज के केस में, डेल्टा के केस में वोल्टेज इक्वल है और करंट का ये रिलेशन बनता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट 3 फेज बैलेंस्ड सर्किट। एक्चुअली हमने सर्किट नहीं पढ़े, हम लोगों ने क्या पढ़ा जो इस टॉपिक में आता है, 3 फेज बैलेंस सप्लाई, ठीक है। तो आज के लिए बहुत है।